नाउ वी विल लर्न अबाउट डोमेस्टिक एनिमल। अब मैं आपको डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम पालते हैं और उनसे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें हम अपने घरों में या अपने फार्म पर रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन, कैमल। कैमल किसे कहते हैं? ऊंट को। काऊ, गाय। गाय से हमें क्या मिलता है? गाय से हमें मिल्क मिलता है, और मिल्क से क्या बनते हैं? बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट, आइसक्रीम, बटर, चीज़, पनीर, ये सब किससे बनता है? मिल्क से। और मिल्क हमें मिलता है काऊ से और बफेलो से। नाउ शीप। शीप से हमें क्या मिलता है? हमें ऊन मिलती है। सर्दियों में हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं वो हमें किससे? शीप। शीप से हमें मिलती है ऊन। ऊन से क्या बनते हैं? गर्म कपड़े। जब ठंड होती है हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े। वो ऊन हमें भेड़ से मिलती है। द नेक्स्ट वन इज हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़ा किस लिए काम आता है? हॉर्स राइडिंग के लिए और बहुत सी चीज़ों को कैरी करने के लिए, वजन ढोने के लिए। द नेक्स्ट वन इज कैट। कैट माने बिल्ली। बिल्ली को हम अपने घर में रख सकते हैं। बिल्ली को क्या पसंद होता है? मिल्क पीना। द नेक्स्ट वन इज गोट। गोट से हमें मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। बकरी से हमें दूध और मीट मिलता है। नेक्स्ट वन डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। डॉग क्या करता है? हमारे घर को गार्ड करता है, घर की रखवाली करता है। सबसे फेथफुल एनिमल होता है बच्चों डॉग। द नेक्स्ट वन डोंकी। गधा। डोंकी बोझा ढोने के काम आता है। कई जगह आपने देखा होगा कि अगर वजन ढोना है तो उसके लिए बैल का, घोड़े का और डोंकी का इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल। बैल का इस्तेमाल भी बोझा ढोने के लिए किया जाता है। नाउ टाइम फॉर द आंसर। नेम टू एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। आपको दो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो हमें क्या देते हैं? मिल्क। तो हमें मिल्क कौन देता है? काओ। और कौन देता है? गोट, GOAT, गोट। विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक। कौन से एनिमल के बैक पे हम्प होता है? अभी आपने इतने सारे एनिमल्स की पिक्चर्स देखी, तो हम किस पर था? कैमल पर, CAMEL, कैमल। द नेक्स्ट वन विच एनिमल गिव अस वूल। वूल मतलब ऊन। हमें कौन सा जानवर ऊन देता है? शीप, SHEEP, शीप। नाउ टाइम फॉर सम मेमोरीज। Domestic animals are very helpful for us. We should take care of them. Domestic animals हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हमें उनकी क्या करनी चाहिए? रखवाली करनी चाहिए।